उदाहरण पांच। चार सौ छप्पन गुणा 814 हल कर उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। यहां गुणा की जांच बीजांक से करने के लिए हमें जिस प्रक्रिया का उपयोग करना होगा उसमें पहली संख्या का बीजांक गुणा दूसरी संख्या का बीजांक प्राप्त गुणनफल का बीजांक बराबर संख्याओं के गुणनफल का बीजांक। अगर ये समीकरण हमें मिलता है तो हम कह सकते हैं कि जो गुणनफल होगा वो सही होगा। आइए इसे करके देखते हैं। 456 गुणा 814, इसे जब हम गुणा करते हैं एक जिस तरीके से हमें गुणा बताया गया है, इकाई के साथ, फिर दहाई के साथ और फिर सैकड़े के साथ गुणा करने के पश्चात जो संख्या मिलेगी वो हमें मिलती है 371,184। यहां आप देखते हैं कि पहली संख्या का बीजांक 6 है, दूसरी संख्या का बीजांक 4 है। इन दोनों के गुणनफल का बीजांक 6 होगा। इसी प्रकार जब हम दी गई संख्याओं के गुणनफल के बीजांक की बात करते हैं तो यहां हम पाते हैं कि ये यहां पर आप देखिए 7 और ये 2 मिलकर के 9 हो गया, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। तो इसका जो बीजांक होगा 3 धन 8 धन 4 बराबर 15, तो इसका बीजांक 1 धन 5 बराबर 6। आप देख सकते हैं कि ये जो गुणनफल का बीजांक है वो संख्याओं के बीजांकों के गुणनफल के बराबर है, अतः हमारा ये उत्तर सही है। यही हमारे उदाहरण 5 का हल है।